अगली खबर का रुख करते हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान हाजीपुर से उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं। 2 से 4 दिनों में सीट पर बन जाएगी सहमति। और देखिए, हाजीपुर वही सीट है जिसके ऊपर पशुपति पारसनाथ नाराज हो गए थे क्योंकि वो उनकी सीट कही जाती है और उनके अनुसार इस सीट से उनको उतारा जाना था मैदान में, और इसके ऊपर वो नाराज हो जाते हैं और उसके बाद पार्टी से इस्तीफा भी यहाँ पर उनका सामने आया। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान हाजीपुर से उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं।